लौड़ी सीट मांग सीट मार देगा तो मर जाएगा तू दोस्तों हमारे सफ़र की शुरुआत हुई थी वाराणसी से जयपुर और जयपुर में बहुत सारी जगहों पे घूमने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं अलवर सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ देखने। उसके बाद हम लोग जाएंगे टाइगर रिजर्व के बाद अलवर सिटी बाला किला देखने और अलवर के सिटी पैलेस को देखने, उस शहर को भी हम लोग भ्रमण करेंगे। दोस्तों समय मिला तो हम लोगों का प्लान है भानगढ़ जाने का भी, उसके बाद उदयपुर जाएंगे। फिलहाल आप अभी इस सफ़र को एंजॉय कीजिए, देखिए राजस्थान के संस्कृति को। मुझे तो राजस्थान काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, यहाँ के लोग भी पसंद आ रहे हैं, इनके व्यवहार काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपने कभी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया है तो उसको कमेंट में करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, बने रहें मेरे साथ इस सफ़र में। अभी सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है वो अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस पे जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये सब सिर्फ और सिर्फ इन्हीं श्रृंखलाओं पे दिखाई देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी बस वाले से हमने पूछा तो पता चला कि जब तक हम लोग सरिस्का जाएंगे वहाँ का टिकट काउंटर बंद हो चुका होगा, तो इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग डायरेक्ट अलवर सिटी जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं अब अलवर सिटी। डायरेक्ट बस से उतरने के बाद हम लोग बाला किला की तरफ बढ़े हैं। यहाँ पे एक शिलालेख पे लिखा हुआ है कि ये निकुंभ राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि बाद में मुगलों के द्वारा इस पे कब्जा कर लिया गया। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह ने इस पे कब्जा किया। दोस्तों अभी ये सामने आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, शाम काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है तो सड़क काफ़ी शांत है। अभी मेरे मित्र लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग अभी तो नहीं चल सकते हैं, कल सुबह में ही बाला किला पे चलेंगे। देखिए काफ़ी सुंदर शहर है, डायरेक्ट बस से उतर के हम लोग यहाँ पे आए हैं। ऐ चलो 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 चलो, ये बोतल लिया हुआ है साथ में, देखते हैं हम लोग जा रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल में, वहाँ पे रुकेंगे, विश्राम करेंगे, रात भर वहीं पे रुकेंगे, खाना पीना खाएंगे और अगले दिन इस सफ़र की शुरुआत की जाएगी। हम लोगों ने विचार किया है कि सुबह 5 बजे से निकलेंगे पैदल ही, पैदल जाने का अपना मजा है। दोस्तों ये जगह बहुत ही हॉन्टेड लग रही है और हम लोगों को काफी डर लग रहा है, ये बहुत ही रोमांचक है। थोड़ी देर में यहाँ पे सरकों पे बाघ चील कौवे सही सब बता। मेरा एक दोस्त ये तो यार बता दे रहा हूँ, मानगढ़ ट्रिप कैंसिल नहीं होना चाहिए, मानगढ़ नहीं कैंसिल। उसी के लिए तो आए हैं यार, इतना यार 250 रुपए है तो रुक के ही जाएंगे। रोड के आर पार मत जाओ, साइड में चलो। फोटो खींच रहे थे कहाँ जाए, हाँ तो बस तो चले जाओ उधर, फोटो खींच रहे थे उधर हट। दोस्तों सुबह हो चुकी है, हम लोग अपने मंजिल के तरफ निकल पड़े हैं, ये सफ़र की शुरुआत हो चुकी है। रात को हम लोग होटल में गए, फ्रेश हुए, उसके बाद महावीर ढाबा पे जाके शुद्ध शाकाहारी भोजन किया हम लोगों ने। और देखिए यहाँ आपको दिखेगा, सभी लोग जय श्री राम बोल रहे हैं। मेरे मित्र लोग अब चल पड़े हैं बाला किला की तरफ पैदल ही, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, आप हमारे सफ़र में बने रहें हमारे साथ, काफ़ी ही सुहाना मौसम है और सुबह का समय है, 2 घंटे में हम लोग शायद पहुंच जाएंगे। यहाँ की सभ्यता में सभी लोग यहाँ पे सुबह सुबह सबको जय श्री राम के स्लोगन से मतलब अभिनंदन करते हैं, और यहाँ चिड़ियों को हिरण वगैरह को यहाँ पे सुबह सुबह लोग दाना खिलाते हैं और आओ राधे आओ के नाम से उनको बुलाते हैं। ये खाने हैं जो दिए गए हैं, ये खाइयाँ हैं यहाँ पे, वो गांव बसे हुए हैं वहाँ पे। यहाँ पे का जो दृश्य है, ये पानी यहाँ चिड़ियों के लिए पानी रखा गया है, जैसा कि और बाकी भी जीव जंतु जो चीज आप 1000 वर्ष पहले देखे थे सेम चीज वही आपको नजर में हो रहा है।
यहाँ के पेड़ पौधे अन्य जगहों से बहुत ही भिन्न है, मानना पड़ेगा। हाँ भाई, दो मिनट का मैसेज टाइप हो गया, ये कुछ बातें हैं भाई प्रदेश में, किसी में नहीं। अनजाने भी ऐसा काम कर देते हैं ना, जब जानबूझ के करना चाहेंगे तो हमेशा नुकसान कर, हाँ लेकिन अनजाने में हो जाता है इनसे कभी कभी, कभी कभी अनजाने में अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ऐसे लोग को क्या बोलते जानते हो? चिटिया। अब वही सब जगह पे ये देखिए बारहसिंगा, यहाँ पे तो हिरन और बारहसिंगा खुले में ही दिख रहे हैं दोस्तों। वो दूर दूर वहाँ पे लोग बंदर को दाना खिला रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, रुकिए मैं जा रहा हूँ तो दिखाता हूँ आपको, देखिए देखिए ये बंदर को दाना खिला रहे हैं लोग। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे ये बंदर को खाना खिला रहे हैं, यहाँ पे लगभग सब लोग सभी जीव जंतुओं को खाना खिला रहे हैं दोस्तों। ये देखिए हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं और यहाँ से इस पहाड़ी पे से आपको दिखाते हैं यहाँ के गांव का नज़ारा, काफ़ी दूर है घाटियों के बीच में, वो देखिए गांव दिखाई दे रहा है आपको। हम लोग आधे रास्ते आ चुके हैं और आधे रास्ते आगे जाना है, ठीक है दोस्तों। ये हमको एक हिरन मिल गया, आ जा कुछ खाने वाला है ना अपने बैग में, मत छुओ मत छुओ, छोड़ दो छोड़ दो, और दे दो एक और दो ना, भुरकनी कर खिलाओ, इसे मत खिलाओ, बड़ा बड़ा नहीं तोड़ के खिलाओ यार, हो गया। आ, आ। हम लोग अभी वीडियो ले ले, वीडियो ले रहे दूर से ले, दूर से और दो ना, और खिलाते रहो नहीं तो चला जाएगा, खिलाते रहो ना तो चला जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हम लोग हिरन के साथ है अभी, रंजीव रंजीव माय डियर फ्रेंड, ओके बाय बाय फ्रेंड। अब वो वाला रखे रहो खिलाने के लिए, उसको निकाल लो बाहर। हम लोग यहाँ पे हिरन के साथ हैं और उसको दो जोड़े हैं, नर और मादा दोनों साथ हैं और उनको हम लोग उनको प्यार से देखिए, आ आ आ आ आ, ये थोड़ा भड़कील है भड़कील है, अरे यार खिलाए कुछ लिए हो हाथ में, ले ले और दो, अरे इकट्ठे मत हो ना इतने लोग डर जाएगा, आ आ जा नजदीक जा 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 धीरे धीरे जा, और खिलाना खिलाना, डर कहे रहे हो यार कटेगा नहीं, अरे कागज खा गया, ले ले डर रहा है हम इसका लाल पीला, अरे लाल पीला नहीं देखेंगे वो, हट जाओ हट जाओ तुम, डर रहा है, हट जाओ हट जाओ, सही पीला है, हट जाओ हट जाओ, हाथ में इसका लाल पीला है, इसे आ आ देखो ये पूरा मुंह में ले रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हां चलो आओ अब बढ़ते रहो बढ़ते रहो, दो भाई हम दे देंगे रंजीत, दोस्तों बढ़ते रहो रंजीत, चलो चलो डर रहा है, चलो उधर का भी ले लो, ये माय गॉड देख इस पहाड़ में आराम से चढ़ा जा सकता है, इधर से व्हाट अ लुक यू कैन सी, चलो ठीक है। ये जो पहाड़ है उसको भी खिलाओ, उसको भी देखिए, ये जो पहाड़ है पर्वतारोहियों की दृष्टि से बहुत ही सरल पहाड़ है, देख सकते हैं आप, जैसे कि आराम से चढ़ा जा सकता है, चढ़ाई की जा सकती है इसमें, हम जैसे आम इंसान भी चढ़ सकते हैं, पर्वतारोही की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सब पहाड़ डाल दो थोड़ा सा वहीं डाल दो, ये सब पहाड़ को फतेह करने के लिए विशेष प्रकार की क्वालिटीज चाहिए एंड काबिलियत चाहिए, अरे वाह क्या बात है, नहीं नहीं दोनों हिरन ही है, दोनों वही है, थन है देखो नीचे थोड़ा थोड़ा,
अब बंद कर दो। आखिरकार हम वो जगह पहुंचे हैं। आखिरकार हम लोग अपने मंजिल के पास पहुंच ही गए हैं। देखिए, देखते देखते अपने बाला किला को देखने के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्त लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वो पास ही में है बाला किला। हम लोग चोटी की तरफ पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचेंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बाला किला। काफ़ी अच्छा सफ़र रहा ये। मेरे सभी दोस्त लोग काफ़ी खुश हैं। सुबह से चढ़ाई करते करते ये लोग थक चुके थे। आखिर हार कर हमें इस बारहसिंगा को हमें छोड़ के जाना ही पड़ा, क्योंकि ये बारहसिंगा थोड़ा सा गुस्सैल दिख रहा था। देखो खाएगा क्या। मैंने इसको छोड़ के निर्णय किया कि आगे चल पड़ूं और बाला किला को मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं। जस्ट कुछ ही देर में आपको मैं दिखाऊंगा बाला किला। आप बस मेरे साथ बने रहिए। मार देंगे सर। अबे फ्लैश चालू था बे, इसीलिए डर रहा था।